Hey guys, my name is Shakib. Hey guys, my name is Dhaval और आप देख रहे हैं techhoop.com. So guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Honor View 20 के बारे में, जो कि आज ही लॉन्च हुआ है इंडिया में और एक ग्लोबल लॉन्च पहले हो चुका था. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस इंट्रो के साथ. तो गाइज बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले की. सो Honor View 20 वर्ल्ड का सबसे पहला फोन है जो कि इन डिस्प्ले पंच होल फ्रंट कैमरे के साथ आता है, जिसकी वजह से आपको नॉच नहीं मिलती और एक फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है नीचे से लेके ऊपर तक, विद स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ऑफ मोर देन 90%, ऑलमोस्ट 100% कह सकते. सो गाइज स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो फोन 6.4 इंच की IPS LCD डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा है एक LCD के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है इसका. सबसे बड़ी बात है कि ये पहला फ़ोन है जिसमें नैनो लिथोग्राफी की तरह टेक्निक यूज़ करी गई है, जिसकी वजह से ये वी शेप में रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग कलर्स को. या तो आप RGB कलर्स को रिफ्लेक्ट करोगे या फिर एक फ़ोन के ही सेम कलर को बार बार अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करते हो. और गाइस अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस की, रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, तो मैंने यूज़ किया मोबाइल को और बहुत ही कमाल का डिस्प्ले लगता है गाइस. और पंच होल जो आपको कैमरा है वो बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचरिस्टिक लगता है, जो टोटली बनाता है Honor View 20 को एक फ्लैगशिप फ़ोन और यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है इस मोबाइल को. और गाइस इसमें आपको मिल जाएगा ग्लास सैंडविच डिज़ाइन, जो कि बहुत ही कमाल लगता है, यूनिक लगता है बहुत ज़्यादा, और इसका डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अलग है सारे मोबाइल से, फ्लैगशिप देखने में लगता है मोबाइल. और इसके तीन कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, मिडनाइट ब्लैक, सैफायर ब्लू और एक फैंटम ब्लू. और अगर बात कर लेते हैं इस मोबाइल के कैमरा की, तो कैमरा बहुत ही कमाल के मिल जाएगा आपको. इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाएगा, सिंगल रियर कैमरा है आपको, और उसके साथ साथ आपको जो कैमरा है वो आपको 3D कैमरा है. और गाइस आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ सोनी का IMX 586 वाला सेंसर मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप सेंसर है अभी का और बहुत ही कमाल की फोटो लेता है. आपको इवेंट के दौरान भी ऑनर ने बहुत कमाल की शॉट दिखाए हैं, जो कि सब में ताली बजाई थी उसके लिए और बहुत अच्छा लगा था. और जी हाँ, इस कैमरे की खास बात यह है कि इसमें एक AI अल्ट्रा क्लैरिटी मोड आपको मिलता है, जिसकी वजह से ये फ़ोन नेटिव 48 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ में इतनी क्लियर फोटोज ले सकता है कि आप इसे अगर 10x तक जूम करोगे तो भी आसानी से चीज़ें देख सकते हो डिटेल्स के साथ. ये एक बहुत अच्छे पॉइंट है इसमें. इसमें आपको दूसरा कैमरा जो मिलता है वो एक 3D TOF कैमरा है, जिसकी वजह से आप रियल टाइम 3D मैपिंग कर सकते हो. नाउ व्हाट डज दैट मीन, दिस मीन्स कि आप अपने मॉडल को जाके कोई भी, जैसे कि कोई भी ह्यूमन है, उसको आप स्लिम कर सकते हो, उसके कपड़े चेंज कर सकते हो, यू कैन कस्टमाइज इट, आप उसका लुक चेंज कर सकते हो और उसकी हाइट लंबी छोटी ये सब कर सकते हो. साथ ही साथ 3D कैमराज के आपको कुछ एडवांटेजेस ये मिलते हैं कि आप रियल टाइम पे मोशन गेमिंग कर सकते हो, जैसे कि वो प्ले स्टेशन वाला फील आ जाता है ना बिल्कुल लगा के सामने, वैसा कुछ. और काफ़ी इसके अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि आप आउटफिट चेंज कर सकते हो, कैलोरीज निकाल सकता है फ़ोन देख के, ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी हैं. गाइस Honor बहुत ज़्यादा काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और आपको यहाँ पे कैलोरी वाला जो फीचर आपको बहुत सारे मोबाइल में मिलने वाला है, और इस मोबाइल में आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फीचर होता है, और बेसिकली बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक लोग जो होते हैं वो यूज़ करने वाले हैं. और गाइस आपको Honor View 20 Honor का पहला फ़ोन है जो आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर इनका जो है 3987 नैनोमीटर पर जो बना हुआ है. इंडिया में आपको पहली बार लॉन्च हुआ है ये Honor के फ़ोन के हिसाब से, लेकिन वैसे आपको पहले जो Huawei का Mate 20 Pro उसमें मिल चुका है. सो बहुत ही कमाल का प्रोसेसर होता है ये, और फ्लैगशिप प्रोसेसर है, कभी भी कोई आपको परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम नहीं आने वाली. और ये जो प्रोसेसर कैपेबल होता है 3D आपको गेमिंग और 3D फोटोग्राफी के लिए, और बहुत ज़्यादा इसमें आपको AI फीचर्स मिल जाते हैं, तो प्रोसेसर के मामले में कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको. और फ्लैगशिप फ़ोन है तो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिल जाएगी और कोई परेशानी नहीं होगी आपको. और अगर बात करते हैं इसके एंड्रॉयड और OS की, तो आपको यहाँ पे मैजिक का UI मिल जाएगा. मैजिक UI बहुत कमाल नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं लगा, बस नॉर्मल लगा. कैमरा फीचर UI भी आपको सेम है, थोड़ा बहुत यूज़ करने में पता चल जाएगा. ऐसा है मैजिक UI की अगर मैं बात करूँ तो, मैजिक UI एक एक्सक्लूसिव UI है जो कि सिर्फ Honor मैजिक के फ़ोन में आता है, और मैजिक UI जो है वो मैजिक 2 में भी है. यहाँ मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब EMUI 9 थोड़ा सा स्टेबल नहीं था तो मैजिक UI डाल दिया, क्योंकि मैजिक का भी डिस्प्ले साइज सेम है, View 20 का भी डिस्प्ले साइज सेम है, तो वो डाल दिया. ऑल्दो UI अच्छा है EMUI के हिसाब से, अगर आप EMUI यूज़ कर चुके हो तो आपको UI अच्छा ही लगेगा, बट ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बट हाँ काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है और काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है. और अगर आपको इसमें आपको एंड्रॉयड का 9.5 मिल जाता है, जो कि लेटेस्ट आपको एंड्रॉयड OS है, और अपडेट मिलते रहेंगे शायद 2 साल तक, तो आराम से अपडेट मिल जाएगा. जितने फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उसमें आपको 2 साल का एंड्रॉयड OS अपडेट तो फिक्स रहता है. सो गाइस अब वीडियो के लास्ट में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, प्राइस की. तो गाइस प्राइस की अगर बात करते हैं तो धवल बताएंगे कैसे लगा प्राइस आपको. धवल
प्राइस पहले प्राइस बता दे। देखो ये फ़ोन जो कम्पीट करेगा ये वन प्लस सिक्स टी से करेगा कम्पीट, हेड टू हेड कंपैरिजन उसी से। तो आई थिंक वन प्लस सिक्स टी के हिसाब से प्राइस देखा जाए तो काफ़ी हेड टू हेड रखा गया है, और तो प्राइस बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, बट फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये 34999 तक आए, 35000 जस्टिफाइड 37999 मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि जो बंदा आपको 34000 36 दे सकता है वो 38 में दे सकता है इस टाइप। यहाँ पे थिंकिंग है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट इंटरप्ट करूंगा, हाँ ये क्योंकि देखो यार वन प्लस 60 में आपको कुछ कूल फीचर्स मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टाइप, तो कंज्यूमर्स की डिमांड अलग अलग रहती है, तो हम नहीं जस्टिफाई कर सकते। और साथ ही साथ ऑनर का हमेशा से एटीट्यूड रहा है कि वो मार्केट डिसरप्ट करते हैं, इस बार वो नहीं हुआ, नहीं। और ये जो प्राइसिंग आज रखी गई है कि 6 plus 128 38,000 और 8 plus 256 46,000 बहुत ज़्यादा है, तो यार ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट के लिए ठीक नहीं, क्योंकि अब वन प्लस 7 जो है वो और महंगा आएगा, Redmi Note 7 Pro वो विद 48 मेगापिक्सल कैमरा है वो भी अब अपना प्राइस बढ़ा देगा, तो ये सब चलता रहेगा। सो गाइज आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही था, और आपको सारा फर्स्ट हैंड इंप्रेशन और हम लोगों ने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता दिया है। ऑनर व्यू 20 के बारे में लेना है नहीं लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो कहता हूं कि फोन अच्छा है, नहीं कह रहे फोन काफी, थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, मतलब लिटरली नहीं थोड़ा सा प्राइस ज्यादा है, और वन प्लस 60 से कहीं कम नहीं है, ज्यादा ही है कहीं मान लो। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, सब्सक्राइब टू tableo.com। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।